हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्कियोलॉजिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज एसी एनर्जी मीटर, जो कि एनर्जी मेजर करने के काम में आता है। जैसे कि डोमेस्टिक अपने घरों में लगा रहता है एनर्जी मीटर, जो पावर कंजप्शन को शो करता है। तो आजकल तो डिजिटल मीटर्स आ गए हैं, डिजिटल एनर्जी मीटर्स, बट स्टार्टिंग में जो एनर्जी मीटर काम में लिए जाते थे वो थे एनालॉग एनर्जी मीटर थे। तो देखते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी मीटर्स आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ टू मेजर द पावर कंजप्शन। तो पावर कंजप्शन का बेसिक पार्ट है एनर्जी मीटर। इट इज़ यूज्ड एनीवेयर, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल कंजप्शन इट इज़। या तो स्मॉल कंजप्शन है या बिग कंजप्शन है, तो दोनों केस में इसको यूज़ करते हैं अपन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाट आवर मीटर। तो इसको अपन एक नाम और है वाट आवर मीटर, क्योंकि जो एनर्जी की जो यूनिट है, जो पावर मेजर करने की जो यूनिट है वो है वाट, और इसको अगर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी एनर्जी। तो वाट आवर मीटर, इसलिए इसका नाम है वाट आवर मीटर। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वाट आवर मीटर, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फोर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द मीटर। दीज कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज। तो इसके जो वाट आवर मीटर को समझने के लिए अपने को इसके जो चार एसेंशियल कंपोनेंट हैं उनको समझना पड़ेगा। और वो चार एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ड्राइविंग सिस्टम, सेकंड है मूविंग सिस्टम, थर्ड है ब्रेकिंग सिस्टम, एंड फोर्थ है रजिस्टरिंग सिस्टम। तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो फर्स्ट वन है ड्राइविंग सिस्टम, जो कि मूविंग सिस्टम को ड्राइव करता है। तो यहाँ पर ये इसका एक बेसिक डायग्राम है। तो यहाँ पर ड्राइविंग सिस्टम कौन सा है जिस पे ये कॉइल वाइंड करी हुई है? यहाँ ये है ड्राइविंग सिस्टम है, ये है अपना मूविंग सिस्टम। तो देखते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम आर टू सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो यहाँ पर टू सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम में लिए गए हैं। फर्स्ट वन ये है और सेकेंड वन ये नीचे वाला। द अपर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड शंट मैग्नेट एंड इट कैरीज अ वोल्टेज कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ थिन वायर। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये शंट में कनेक्टेड हुआ है, शंट मैग्नेट बोलते हैं इसीलिए इसको। एंड इट कैरीज अ वोल्टेज कॉइल, यानी कि इसको वोल्टेज कॉइल बोलेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोडाइनोमोमीटर टाइप वाट मीटर में हमने स्टडी किया था कि दो तरह की कॉइल होती हैं, एक तो करंट कॉइल, एक वोल्टेज कॉइल। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इस पे जो कॉइल माइंड करी गई है इसको बोलते हैं अपन वोल्टेज कॉइल, और ये शंट में कनेक्टेड रहेगी सप्लाई के। वोल्टेज कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टर्न्स, यानी कि इस कॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा टर्न्स अपन काम में लेते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि इसको शंट में कनेक्ट करेंगे। अगर शंट में कम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो इस सारा का सारा करंट इसी में से फ्लो होने लग जाएगा। तो इसलिए इसमें रेजिस्टेंस अपने को इंक्रीज करना है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए अपन थिन वायर लेंगे और उसके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे। द लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड सीरीज मैग्नेट एंड इट कैरीज द टू करंट कॉइल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर। अब जो लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पर ये करंट कॉइल को कैरी करता है, यानी कि इसके ऊपर करंट कॉइल को अपन वाइंड करते हैं। करंट कॉइल यानी कि ये लोड के सीरीज में कनेक्ट रहेगी ये वाली कॉइल। अब इसका रेजिस्टेंस अपने को कम से कम रखना है क्योंकि ये लोड के सीरीज में है, तो लोड करंट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस अपन को कम से कम रखना है। तो कम रेजिस्टेंस के लिए अपन थिक वायर काम में लेते हैं, थिक यानी कि मोटा वायर काम में लेते हैं, और उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो भी अपन कम रखते हैं। करंट कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एंड लोड
करंट पासेस थ्रू इट। तो ये जो करंट कॉइल है लोड की सीरीज में कनेक्ट रहेगी, क्योंकि अपने को पावर को मेजर करना है। तो यहाँ पर ये वाली जो ऊपर वाली जो कॉइल है इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे और जो नीचे वाली जो कॉइल है यहाँ से करंट पास करेंगे। वेयर एज द वोल्टेज कॉइल इज कनेक्टेड टू द सप्लाई मेंस एंड प्रोड्यूस अ हाई रेशियो ऑफ इंडक्टेंस टू रेजिस्टेंस। ये सप्लाई के डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्ट रहेगी, यानी कि पूरा का पूरा वोल्टेज इस पर अप्लाई करेंगे अपन, इस पर भी अप्लाई करेंगे। देयर इज अ कॉपर बैंड्स इन द लोअर पार्ट ऑफ शंट मैग्नेट विच प्रोवाइड्स फ्रिक्शनल कॉम्पनसेशन सो दैट द फेज एंगल बिटवीन शंट मैग्नेट फ्लक्स एंड द सप्लाई वोल्टेज इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो इसका जो लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है अपने को ऊपर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इस कॉयल के नीचे अपन क्या करते हैं, ये कॉपर बैंड्स यहाँ पर लगा के रखते हैं। कॉपर बैंड इसलिए क्योंकि इस कॉयल के ऊपर जो वोल्टेज अपन ने अप्लाई किया है, इस कॉयल के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया है उस वोल्टेज में और इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो फेज एंगल डिफरेंस है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के पाथ में हम दो कॉपर बैंड यहाँ पर लगा के रखते हैं अलग से, ताकि उस पाथ का रिलक्टेंस चेंज होगा। रिलक्टेंस चेंज होने की वजह से क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड क्या लैग करेगी उस वोल्टेज से। तो वोल्टेज से अगर 90 डिग्री लैग करती है तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। नेक्स्ट है अपना मूविंग सिस्टम। एज यू कैन सी इन द फिगर देयर इज अ थिन एल्यूमिनियम डिस्क प्लेस्ड इन द गैप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड माउंटेड ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट। अब जैसा कि ये फिगर में देखिए मूविंग सिस्टम है कौन सा, ये देखिए ये एक थिन एल्यूमिनियम की सीट है, सर्कुलर सीट है, जो कि एक ये वर्टिकल शाफ्ट है यहाँ पर दिखाई दे रही है अपने को, वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर माउंट रहती है और इन दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगी जिस डायरेक्शन में भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। द एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द एल्यूमिनियम डिस्क। जो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, उस एल्यूमिनियम डिस्क में एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी, इंड्यूस होंगी। व्हेन इट कट्स द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द मैग्नेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ एडी करंट्स एंड टू मैग्नेटिक फील्ड्स कॉन्स्टिट्यूट अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन द डिस्क। अब यहाँ से क्या होगा, जो इंटरफेरेंस होगा एडी करंट्स और टू मैग्नेटिक फील्ड्स का, तो इससे क्या एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उस डिस्क पे अप्लाई होगा। एज यू स्टार्ट कंज्यूमिंग पावर द डिस्क स्लोली स्टार्ट्स रोटेटिंग। जैसे जैसे उसमें से जैसे करंट कॉइल में से करंट पास होने लग जाता है, यानी कि जैसे लोड अपन ने स्विच किया तो करंट कॉइल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो उससे क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उस पर डिस्क पे अप्लाई होगा और जितना लोड होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्क की स्पीड होगी। यानी कि अगर कम लोड है तो डिस्क धीरे धीरे मूव करेगी, अगर लोड ज़्यादा है तो उस केस में उसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। एंड द सेवरल रोटेशन ऑफ द डिस्क डिस्प्लेस द पावर कंजप्शन। तो जो रोटेशन है उसको अपन वो क्या करते हैं, उसके जो नंबर ऑफ रोटेशन है वो पावर कंजप्शन को शो करते हैं इन द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। नॉर्मली इट इज़ मेजर्ड इन किलोवाट आवर्स। यानी कि एक घंटे में जितना वाट पावर कंज्यूम हुई उसको अगर 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा वाट आवर, तो उसको बोलेंगे अपन एनर्जी। नेक्स्ट अपना थर्ड पार्ट है ब्रेकिंग सिस्टम। अब ब्रेकिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यदि मान लीजिए एक बार अपन ने लोड को ऑन किया है
और डिस्क ने रोटेट करना स्टार्ट किया। अब सपोज़ कीजिए कि लोड को अपन ने ऑफ़ कर दिया, तो उस डिस्क को एक उसी इंस्टेंट पर उसको रोकना ज़रूरी है, तो इसलिए उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो अपने को एक ब्रेकिंग सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि उस मोमेंटम की वजह से अगर ब्रेक नहीं होगा, वहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा, तो मोमेंटम की वजह से डिस्क रोटेट करती रहेगी जब तक कि वो अपने आप घूमना नहीं बंद कर दें। तो जैसे ही अपन ने लोड को स्विच ऑफ किया, उसी इंस्टेंट पर उस एल्यूमिनियम डिस्क के रोटेशन को अपने को ब्रेक करना है, रोकना है। तो इसी के लिए अपने को ब्रेकिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। द मेन पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज़ अ परमानेंट मैग्नेट कॉल्ड ब्रेक मैग्नेट। तो यहाँ पर इसको ब्रेकिंग प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम एक परमानेंट मैग्नेट काम में लेते हैं। इट लोकेटेड नियर द डिस्क सो दैट एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन इट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ रोटेटिंग डिस्क थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसको, इसका प्लेसमेंट कहाँ पर है, ये देखिए ब्रेकिंग मैग्नेट का, ये रहा अपना परमानेंट मैग्नेट। ये जैसे इसके जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट इसको एक फोर्स देता है, ताकि ये जैसे लोड नहीं हो उस केस में ये रुक जाए डिस्क। इट इज लोकेटेड नियर द डिस्क सो दैट एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन इट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ रोटेटिंग डिस्क थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस एडी करंट रिएक्ट्स विद द फ्लक्स एंड एग्जर्ट अ ब्रेकिंग टॉर्क विच अपोजेस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजेस द मोशन ऑफ द डिस्क, यानी कि जो एडी करंट यहाँ पर इंड्यूस हुई है उस परमानेंट मैग्नेट में, वो क्या है कि एक फ्लक्स या अपन कहें एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है जो कि अपोज करता है कि इसको मोशन ऑफ द डिस्क, जिस डायरेक्शन में डिस्क रोटेट कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोवाइड करता है। द स्पीड ऑफ द डिस्क कैन बी कंट्रोल्ड बाई चेंजिंग द फ्लक्स, तो जो स्पीड है वो फ्लक्स को चेंज करके अपन उसको चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जो लास्ट है अपना इसका कंपोनेंट, वो है रजिस्टिंग सिस्टम। एज इट्स नेम सजेस्ट इट रजिस्टर्स द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड डायरेक्टली इन किलोवाट आवर। अब ये क्या है, रजिस्टर करता है कि इसको रजिस्टर करना है, यानी कि नोट करना एक तरह से, ये जो डिस्क के रोटेशन को है, नंबर ऑफ रोटेशन को है, उसको नोट करता है या रजिस्टर करता है, और जो कि प्रोपोर्शनल किसके अब है, प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड डायरेक्टली इन किलोवाट आवर, जो कि अपन उसके डिस्प्ले पे अपन देख पाते हैं कि जो किलोवाट आवर में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो उसको मीटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। देर इज अ डिस्क स्पिंडल विच इज ड्रिवन बाय अ गियर ऑन द डिस्क शाफ्ट। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ एक डिस्क का स्पिंडल है जो कि शाफ्ट के ऊपर लगा रहता है, गियर्स के द्वारा उसको कनेक्टेड रखते हैं, एंड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द डिस्क हैज़ टर्न्ड। अब वो अलग अलग साइज़ के गियर्स देखे होंगे अपन ने, घड़ी जो दीवार घड़ी है उसमें भी अलग अलग, जैसे तीन तीन कांटे होते हैं उसमें तीनों कांटों के लिए अलग अलग गियर प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से जो अलग अलग डिजिट्स होती हैं उसकी, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह जो भी अलग अलग जो डिजिट होती है उसके लिए अलग अलग गियर्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग साइज़ के गियर्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लगे रहते हैं गियर्स, ये जो वर्टिकल शाफ्ट है यहाँ पर, इस वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर ये गियर लगे रहते हैं। देयर इज अ डिस्क स्पिंडल विच इज ड्रिवन बाय अ गियर ऑन द डिस्क शाफ्ट एंड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द डिस्क हैज टर्न। अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर आर बेस्ड ऑन टू मेन फंडामेंटल्स। फर्स्ट है रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, यानी कि दो मेन फंडामेंटल पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है।
पहला है रोटेशन ऑफ डिस्क एंड सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ काउंटिंग एंड डिस्प्लेइंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो पहला जो मेन मोटिव है इस एनर्जी मीटर का वो है डिस्क को रोटेट करवाना, और दूसरा है जो अरेंजमेंट ऑफ काउंटिंग यानी कि उसके जो रोटेशन के काउंट हैं, नंबर ऑफ रोटेशन है उसको अपने को डिस्प्ले करना है। तो इन दो चीज़ पे ये प्रिंसिपल काम करता है एनर्जी मीटर का। देखिए रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क यहाँ पर समझा रखा है इसको। द रोटेशन ऑफ मेटेलिक डिस्क इज ऑपरेटेड बाई टू कॉइल्स, बोथ द कॉइल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वन कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन प्रोपोर्शन टू वोल्टेज एंड द अदर कॉइल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शन टू द करंट। अब ये वाली जो कॉइल है यहाँ पर, ये दोनों कॉइल्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी ये प्रोपोर्शनल होगा लोड करंट के, और ये जो कॉइल है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, अप्लाइड वोल्टेज के, क्योंकि ये शंट में कनेक्टेड रहेगी और ये लोड के सीरीज में ये वाली कॉइल। द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई वोल्टेज इज डिलेड बाई 90 डिग्री। ये जैसा कि अपन ने बात करी थी यहाँ पर शेडिंग बैंड्स, ये देखिए शेडिंग बैंड्स यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये वाले, ये देखिए ये शेडिंग बैंड्स यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये शेडिंग बैंड्स लगाकर अपन क्या करते हैं, वोल्टेज और इसके द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस करी गई है उसमें अपन 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं, सो दैट एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन द डिस्क, जिसकी वजह से ही क्या होगा इस एल्यूमिनियम डिस्क में एडी करंट्स इंड्यूस होंगे और जिसकी वजह से फोर्स उस पर अप्लाई हुआ। द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द डिस्क बाई टू फील्ड्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इमीडिएट करंट एंड वोल्टेज इन द कॉइल। तो वो जो फोर्स उस पर डिस्क पे अप्लाई होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इमीडिएट वोल्टेज होगा इस पर अप्लाइड वोल्टेज और जो इमीडिएट करंट होगा उसी टाइम पर, तो उसके अकॉर्डिंग ही इस पर फोर्स अप्लाई होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अ लाइट वेट एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट्स इन एन एयर गैप। तो ये एक बीच में इन दोनों के इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, ये इसके और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में जो एयर गैप है उसके बीच में ये एल्यूमिनियम डिस्क रहती है यहाँ पर, देखिए ये एल्यूमिनियम डिस्क है यहाँ पर, ये एयर गैप के बीच में, इसके बीच में एयर गैप के बीच में इसलिए रखते हैं ताकि ये फ्री टू रोटेट रहे और वर्टिकल शाफ्ट पे ये माउंटेड रहती है। यहाँ पर ये वर्टिकल शाफ्ट की क्लियर पिक्चर नहीं है जो कि प्रीवियस डायग्राम में थी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अ लाइट वेट एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट्स इन एन एयर गैप, बट देयर इज अ नीड टू स्टॉप अ डिस्क व्हेन देयर इज नो पावर सप्लाई। तो अगर यहाँ पर पावर सप्लाई बंद कर दिया यानी कि लोड अपन ने बंद कर दिया है, उस केस में अपने को ब्रेकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अ परमानेंट मैग्नेट वर्क्स एज अ ब्रेक विच अपोजेस द रोटेशन ऑफ द डिस्क एंड बैलेंसेज द स्पीड ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पावर कंजप्शन। तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट इस डायग्राम में भी यहाँ पर नहीं दिखा रखा है। तो परमानेंट मैग्नेट की बात अपन पहले कर चुके हैं कि वो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए अपन इसको रिक्वायर्ड है। Arrangement of counting and displaying the energy consumed. In this system, the rotation of floating disk has been counted and then displayed on the meter window. The aluminium disk is connected to a spindle which has a gear. ये अपन पिछले डायग्राम में समझ चुके हैं कि किस तरह से वो गियर सिस्टम लगा रहता है ताकि उसको अपन काउंटिंग के लिए काम में ले सकें। ये देखिए इसमें जो डिजिट्स हैं इसकी, ये डेसिमल पॉइंट की फर्स्ट डिजिट होती है, डेसिमल के पॉइंट के जस्ट बाद की फर्स्ट डिजिट, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये जो डायग्राम ये फिगर दिखा रखा है इसमें केवल 1000 या 9000 तक की अपन रीडिंग इस मीटर में, 9999 तक की अपन इसमें रीडिंग ले सकते हैं, इससे ज़्यादा के भी मीटर मार्केट में अवेलेबल हैं। This gear drives the resistor and the revolution of the disc has been counted and displayed on the
रजिस्टर विच हैज़ सीरीज ऑफ डायल्स, ईच डायल रिप्रेजेंट ए सिंगल डिजिट। तो ये अपन पहले बात कर चुके हैं और मैं समझा चुका हूँ कि हर एक डायल के लिए उसका जो जैसे कि मान लो इकाई वाले डायल के लिए इकाई जो यूनिट है, फर्स्ट जो यूनिट है, यूनिट वाली डिजिट है, उसको रोटेट करने के लिए जो गियर है उसकी साइज अलग होगी और ऐसे साइज इसकी डिफरेंट डिफरेंट होती जाएगी। देर इज़ अ स्मॉल डिस्प्ले विंडो इन द फ्रंट ऑफ मीटर विच डिस्प्लेज द रीडिंग ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड विद द हेल्प ऑफ डायल्स। देर इज़ अ कॉपर साइडिंग रिंग एट द सेंट्रल लिंब ऑफ द शंट मैग्नेट। ये पहले अपन समझ चुके हैं सब चीज़ें, टू मेक द फेज एंगल बिटवीन, क्योंकि ये सेंट्रल लिंब पे इसलिए लगाते हैं वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहे। तो ये था आज के इस वीडियो में, हमने स्टडी किया है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हो। थैंक यू।